जिन वीरांगनाओं ने राष्ट्र रक्षा में देश की सेवा में अपना पूरा सब कुछ लुटा दिया हो, जिनका सुहाग उजड़ गया हो, अगर उन्हें धरने पर बैठना पड़े अपने लिए न्याय मांगने के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी लज्जाजनक और शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, न्याय मांगने वालों पर लाठियाँ चलाई जा रही है, वीरांगनाओं को घसीटा जा रहा है, सड़कों पर पुलिस घसीट रही है शहीदों की विधवाओं को। राजस्थान शर्मशार हुआ, लज्जित हुआ, अपमानित हुआ। राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ बलात्कार ज़्यादा होते हैं। वीरांगनाएं बैठी और आप उनके साथ बंद करके आपकी पुलिस मार रही है, अंग्रेजों की पुलिस थोड़ी है भाई। मैं समझता हूँ विदाई की तैयारी करिए गहलोत जी, अब कोई दवा आपके काम नहीं करने वाली है। नमस्कार। वॉल्यूम लो है। पुलवामा में शहीदों की वीरांगनाएं जयपुर में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी हैं। सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरने पर बैठी हैं कि हमें लिखित में हमारी मांगे मानी जाए। हमें पहले मंत्री जी आए, हमसे वादा किया, उसके बाद भी हमारी मानी नहीं गई, तो अभी भी हम ऐसे नहीं मान सकते। हमें लिखित में दिया जाएगा तो ही हम मानेंगे। हमारे साथ है कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जी, हम बात करते हैं। सर, वीरांगनाएं पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी हैं। सर देखिए, मैं समझता हूँ जिन वीरांगनाओं ने राष्ट्र रक्षा में देश की सेवा में अपना पूरा सब कुछ लुटा दिया हो, जिनका सुहाग उजड़ गया हो, अगर उन्हें धरने पर बैठना पड़े अपने लिए न्याय मांगने के लिए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी लज्जाजनक और शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। सरकार को चाहिए कि जिनका सुहाग राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश सेवा के लिए उजड़ गया है, उनके जीवन में कोई संकट और चुनौतियां न आए, इसके लिए सरकार चलाकर पहल करके समाधान करे, मदद करे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, न्याय मांगने वालों पर लाठियां चलाई जा रही है, वीरांगनाओं को घसीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति राजस्थान के लिए कुछ दूसरी हो नहीं सकती। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब जब भी इस प्रकार का अत्याचार होता है, उन अत्याचारों में से जनक्रांति का बीज पैदा होता है। यह अलग बात है, राजस्थान और भारतीय समाज की मानसिकता लोकतंत्र में ऐसी बन गई कि जनक्रांति के वो अभ्यस्त बचे हैं कि नहीं बचे हैं, लेकिन अत्याचार के खिलाफ फैसला जरूर सुनाते हैं। इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगा दी और विनोबा भावे ने कह दिया है लोकतंत्र का शांति पर्व है, लेकिन जब लोगों ने फैसला सुनाया तो इंदिरा गांधी को चुनाव हारना पड़ा था राजनारायण के सामने। मैं समझता हूं कि ये वीरांगनाओं के साथ जिस प्रकार का दृश्य राजस्थान की आंखों के सामने उपस्थित हुआ है, सड़कों पर पुलिस घसीट रही है शहीदों की विधवाओं को, राजस्थान शर्मशार हुआ, लज्जित हुआ, अपमानित हुआ। वो जनक्रांति का प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन उसने फैसला मन में लिख लिया है इस सरकार को जाना ही होगा और इसका दंड भुगतना ही होगा। सर, उनका कहना है कि प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि लड़की है लड़ सकती है, जो नारा तो दिया है, पर हम लड़की हैं, हमारे लिए भी तो लड़े। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका जी को इस नारे पर अगर स्टैंड करना है तो सबसे पहले तो उनको धारीवाल जी का इस्तीफा लेना चाहिए था, जब उन्होंने कहा विधानसभा में राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ बलात्कार ज़्यादा होते हैं। अबलाओं का, नारियों की इज्जत लूटने वालों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार का मंत्री, गृहमंत्री के नाते जवाब देते समय विधानसभा में दे दे, और कांग्रेस को एक कोकनी जा पूछताछ भी नहीं करे आखिर आपने इतना भद्दा मजाक कैसे किया नारी की अस्मिता के साथ। मैं समझता हूँ ये ढकोसलाबाजी है। प्रियंका से मिले चाहे सोनिया जी से मिले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। न्याय राजस्थान की जनता ही दिलाएगी और राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि यूं भी उनके कारनामे पूरे पौने चार सवा चार साल के जिस प्रकार के हैं, और अब तो वीरांगनाओं के साथ अत्याचार ने लोगों के मन पर एक पक्का ठप्पा लगा दिया है कि इस राज को दंडित करना है, पेनलाइज करना, हटाना है। कल प्रताप सिंह खाचरियावास भी आए, मंत्री शकुंतला राउत भी आई, उसके बाद जो कमिश्नर हैं वो भी आए समझाए इसके लिए, पर वो नहीं मान रही। वो कह रही है हमें तो लिखित में मानेंगे। अशोक गहलोत जी का बंगला में दो बंगले से दूर है सर मुख्यमंत्री जी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में जो देश के लिए शहादत देने वालों की विधवाओं को, वीरांगनाओं को न्याय मांगना पड़े और उनके साथ वार्ता हो रही है, समझौता वार्ता हो रही है, समझाइश हो रही है, नौटंकी करने की आवश्यकता कहाँ है? क्या मांग है उनकी? राजस्थान सरकार पे कोई अरबों के खरबों के बजट का कोई भार आने वाला है? शहीदों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, सड़क सुविधा उनके गांव में होनी चाहिए ताकि इंस्पायर हो देश का नौजवान, प्रतिमा को देखकर जाने वाला, ये जो प्रतिमा खड़ी है ये मेरे मुल्क के लिए शहादत देने वाले की प्रतिमा है,
ये जो गांव का सुंदर चेहरा दिख रहा है, ये इस गांव में एक माँ की कोख से ऐसा लाल पैदा हुआ जिसके शहादत के कारण गांव शहादत के बाद भी सुंदर हो गया है, सड़क हो गई है, उसकी मेमोरी जीवंत बनी रहे समाज के बीच में और इंस्पायर होते रहे लोग। शहीदों से तो सदियों तक लोग इंस्पायर होते हैं, ये हमारी विरासत बन जाती है भाई। उस विरासत को सहजने सजाने संवारने की बात तो वीरांगनाएं कर रही है। इस सरकार की अक्ल को ग्रहण लग गया, सौदेबाजी कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, क्या नौटंकी है, स्तरी गिरा दिया भाई। मैं नहीं समझता कि अब इस सरकार का कुछ विजन बचा है, अब इसको विदाई की तैयारी करनी चाहिए। मीडिया स्टेटमेंट में भी वो कह रही है कि हमें गाड़ी में अंदर शीशा बंद करने के बाद पुलिस ने मारपीट की, पुलिस को बर्खास्त करने की वो अपनी मांग उठा रही है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, इससे बड़ी लज्जाजनक बात कुछ नहीं हो सकती। ऐसा क्रूर व्यवहार तो दीवानों के और वीरांगनाओं के, शहीदों की विधवाओं के साथ अंग्रेजों के राज में होता था। इसका मतलब आपका डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हो डेमोक्रेसी खतरे में, आपका ये क्या आचरण है क्रूरता का? शहादत का सम्मान मांगने के लिए वीरांगनाएं बैठी और आप उनके साथ बंद करके आपकी पुलिस मार रही है, अंग्रेजों की पुलिस थोड़ी है भाई। मैं समझता हूँ विदाई की तैयारी करिए गहलोत जी, अब कोई दवा आपके काम नहीं करने वाली है। नमस्कार। सरकार ने उनकी मांगे मान ली है और उसके बाद भी वो कह रहे कि हमें तो लिखित में चाहिए, तो सरकार को लिखित में देने में क्या दिक्कत है? ये घोर अविश्वास सरकार के प्रति पैदा होना ही इस बात का संकेत है कि अब जनता सरकार से राम राम करने वाली है। ये प्रहलाद गुंजल हैं जो कोटा उत्तर से विधायक हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता राम राम करने का वक्त आ गया कांग्रेस सरकार का। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन नाथू के साथ चेतन गुजर।